आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा, जैसा कि बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि हर सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी ही देनी होती है, चाहे आप बीए के हो, चाहे बीएससी को, चाहे बीकॉम के हो, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दी थी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, तो वैसे ही आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, ठीक है। और ये बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट देंगे, और जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो इसी से जुड़े क्वेश्चन आंसर बताएंगे, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। तो आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव आएंगे इसी तरह प्रश्न, ठीक है। चार को एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसे टिक करना होगा, ठीक। करीब करीब 100 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 70 ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 100 पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है, इन ऑप्शनों में से क्या लागू होगा। तो ध्यान रखेंगे जो पीड़ित है किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, मतलब कि पीड़ित है वो बोल सकता है अभी भी, ठीक है, बोलने में सक्षम है। इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा अ नंबर। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है ये वाला, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप घाव से रक्त समान रूप से बहता है तब आप पहचान कर सकते हैं कि भैया नस से खून बहने लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आप आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो आपातकालीन में इमरजेंसी में जो कोई चोटिल हो जाता है तो पट्टियाँ नहीं बांधी जाती, पट्टी सफेद सफेद, ठीक है, कहीं पर किसी को चोट लग जाती है तो पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाई जाती है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स, ठीक है, अस्पष्ट रूप से घाव से दूर, यानी कि घाव से थोड़ी दूर पर रहेगा। जैसे कि आप लोग कोई चोट पैर में लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पट्टी बांधते नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद रहती जो, ठीक है, तो वो कहाँ पर बांधनी चाहिए या बांधने के बाद कहाँ पर गांठ लगानी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना घाव से दूर लगाना चाहिए, और सही उत्तर ये हो जाएगा सा नंबर। अगला कि नीचे बताई गई चीज़ों की डायन से झटका लग सकता है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर हो जाएगा दिल का दौरा। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला महत्वपूर्ण था लेकिन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यात्रा में शौक लगने पर क्या करना चाहिए, मतलब कि अचानक से आप सडनली से आप लोग शौक हो गए, शौकिंग हो गए, तो शौकिंग लगने पर आपको क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ठीक है, पीने के लिए कुछ ना दें, यात्री को फिर से अस्वस्थ करें और चिकित्सा सहायता दें, ठीक है, यानी कि डॉक्टर के पास ले जाएँ, स नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं, मतलब कहीं पर कट लग जाता है छोटा तो आप क्या करते हैं, चाहे वो ब्लेड पे लग जाए, चाहे कहीं पर जा रहे हैं किसी भी चीज़ से लग जाए, कोई काम कर रहे हैं उस पर लग जाए, छोटे कट के लिए आपको आप क्या करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो किया जाता है वो किया जाता है साबुन और पानी से धोएं एक छोटी पट्टी के साथ कवर करें, मतलब कि सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है, एक छोटी पट्टी होती है उसके साथ उसको बांध लेना है, यानी कि कवर कर लेना है। अगला कि CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो CPR प्रक्रिया में जो शामिल है इन ऑप्शनों में से, ठीक है, वो शामिल है बचाव, श्वास और छाती संपीड़न, ठीक है, ये CPR प्रक्रिया में शामिल है, ध्यान रखेंगे स नंबर सही जवाब होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक जाता है, तो यानी कि रक्त यानी जो ब्लड होता है परिसंचरण रुक जाता है उसका कारण क्या है वो आपको बताना है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, आ नंबर, ठीक है, दिल का दौरा, रक्त परिसंचरण अचानक से जब रुक जाता है तो दिल का दौरा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कि अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को आपके फैमिली में किसी को अचानक से जब ब्लड बहने लगता है तो आपको करना क्या चाहिए, तो ध्यान दिल से सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घाव पर दबाव डालें, मतलब कि जहाँ पे ब्लड बह रहा है वहाँ पर बंद करने की कोशिश करें, दबाव डालें, ठीक है। अगला कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं, तो हाइपोथर्मिया के जो लक्षण बताना है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, ठंड, थका हुआ, कांपना और असामान्य रूप से अभिनय करना, यही होता है हाई
ठीक है, हाइपोथर्मिया के लक्षण, ठीक है, इसका नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितनी कंप्रेशन और सांस लेनी चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सर, ठीक है, क्या हो जाएगा सा 50 संपीड़न और 2 श्वास, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर। अगला है कि एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है, तो सही जवाब इसका आपको बताना अगर मालूम है तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कीट का डंक या मकड़ी का काटना, ठीक है, जिसको हम लोग एनाफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं, तो थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण आपको बताना है, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण। अगला कि गंभीर रक्त प्रसाव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गंभीर रक्त प्रसाव के लिए सबसे पहले आपको जो करना चाहिए साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव बनाना चाहिए, ठीक है, दबा देना चाहिए, दबाए रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक केविन और ठीक है अंटेडेंट के रूप में डाइन ऑफ फास्ट एंड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यात्री के लिए अस्वस्थ करें या फिर चिकित्सा के व्यवस्था करें या फिर खतरे में अवगत रहें, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो सही मतलब कि आप क्वेश्चन दिख रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, खतरे से अवगत रहें, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है यात्री को स्थानांतरित करने के लिए। अगला है कि रोग की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होती है, तो सबसे पहले रोगी की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले जो कार्यवाही होती है वो आपको बताना है, वो होती है पीडियाट्रिस से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हेमलिच प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको बताना, महत्वपूर्ण प्रश्न, सही जवाब हो जाएगा अ नंबर पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही था कि पीड़ितों वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा उत्पादित कार्बोनिक एसिड ठीक है एसिड डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो उसके साथ जो होता है वो होता है यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त तो हो जाता है, ठीक है। अगला है कि एक व्यक्ति की बेहोशी की एक छोटी अवध बेहोशी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, ताजी हवा दें, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को अस्वस्थ करें, ठीक है, सही जवाब सात नंबर, ओके। अगला प्रश्न है कि सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो सेकेंड डिग्री बर्न का जो सबसे अच्छा जो इलाज है, ठीक है, वही आपको चाहिए, ठीक है, मतलब कि वही आपको जानना ज़रूरी है, तो सही जवाब इसका अगर आपको मालूम तो ज़रूर बताएं, ठीक है। सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज जो है वो पानी है, ध्यान रखें कि 12 नंबर सही जवाब। अगला है कि आप सांस लेने की जाँच कैसे करते हैं, ठीक है, तो सांस लेने की जो जाँच है आप लोग करते हैं, ठीक है, देखे सुने एवं महसूस करके, ठीक है, देख के सुन के और महसूस करके, दो नंबर सही जवाब होगा। एक नक्सीर को रोका जा सकता है, तो आपको सही जवाब बताना है कि प्रतीक्षा करना चाहिए या फिर नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपाना या फिर पीने के लिए कुछ ठंडा देना या फिर नाक में कुछ रुई डालना, ठीक है, तो एक नक्सीर को रोका जा सकता है, ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपाना, ठीक है, यही करना चाहिए। अगला कि केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक खतरे एवं अवगत रहे, ठीक है, खतरे से अवगत रहे। अगला कि किसी मरीज की स्थिति की जाँच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पीठ से बात करें और उसके कंधों को हिलाएं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स। ठीक है, अगला है कि ठीक है, ए आई डी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, कई सारे ऑप्शन देंगे, सही उसे टिक कर लेना। कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं, कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं, तो वही आपको बताना रहेगा। हालांकि क्वेश्चन ये बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखना है उसको तुरंत CPR शुरू करें। ठीक है, तो CPR शुरू कर देना चाहिए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए कमेंट सेक्शन में। जब अब मैंने आपको बता दिया तुरंत CPR शुरू करें और हेमलिज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, तो हेमलिज प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो है पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। ठीक है, सही जवाब ये हो जाएगा ब नंबर। अगला कि आप अपनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है सा, घाव से रक्त का प्रभाव तेजी के साथ होता है तब ठीक है पहचाना जाता है कि यहाँ रक्त स्राव हो रहा है। ओके, तो अगला प्रश्न यही है कि सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही जवाब होगा वो आपको टिक करना है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है, चेहरा हथियार भाषण एवं समय, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। अगला है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और श्वास लेने चाहिए, ठीक है, और कितने लेने चाहिए आपको बताना है। तो 32 नंबर जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है, 30 संपीड़न और 2 श्वास, सही जवाब मैंने आपको बता ही दिया सात नंबर होगा। अगला है कि एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया, डंक अभी भी त्वचा के नीचे हैं और एनाफिलेक्टिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की ज़रूरत है, इसके बाद क्या करेंगे, तो ये आपको बताना है ऑप्शन। तब क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जो जवाब होगा ठीक है वो हो जाएगा पहला ही ठीक है, स्टॉइल चिमटी की एक जोड़ी का प्रयोग करके ठीक है स्टिंगर को हटा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को पीनट बटर से एलर्जी है और वह एनाफिलेक्टिक सदमे में जा रहा है, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताना अगर आपको मालूम है तो, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है, चिकित्सीय व्यवस्था करें। ओके, अगला कि ABC का क्या अर्थ है, तो ABC का अर्थ बताना है, तो सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी ठीक है। अगला कि एक वृक्ष पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं, कितने सेमी आपको दबाते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मालूम जरूर बताएं, सही उत्तर हो जाएगा 4 से 5 सेमी ठीक है। अगला कि बेहोश हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए सेकेंड और नहीं, हाँ तो इसका जो सही जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ठीक है। बेहोश हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए सेकेंड अधिकतम कितने सेकेंड, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अगर आपको मालूम तो जरूर बताएं, सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर ठीक है, यानी कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए अधिकतम 10 सेकेंड सामान्य स्वास्थ्य के लिए अधिकतम 10 सेकेंड। अगला कि नाड़ी होना मेडिकल शौक का संकेत है, डॉट डॉट नाड़ी होना मेडिकल शौक का ठीक है संकेत है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बात तेजी से ठीक है ब नंबर। अगला कि डॉट क्या है, तो डॉट जो है ध्यान रखना है डॉट है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम है तो ठीक है, चलिए बताइए, तरल या गैस से जलना ठीक है,
ध्यान रखेंगे, तरल या गैस से जलना। अगला कि जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, क्या हो जाएगा, द, हाथ को गोफन में रखें। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आगे जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे उसके सामने उसका उत्तर भी लिखा होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। और मैं आपको एक ट्रिक बताया दे रहा हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन उसके सामने उसका उत्तर लिखा है, ठीक है, जैसे इसके सामने इसका लिखा है, इसके सामने इसका लिखा है, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको टिप्स बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस भी प्रश्न का उत्तर ना मालूम रहे, ठीक है, उसका उत्तर आप लास्ट वाला सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से सभी, ये वाला ज़्यादातर कोशिश करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट रहेगा, मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि आपको वही सिलेक्ट कर लेना है जो लास्ट वाला ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो इस प्रकार लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग प्रश्नों में यही वाला सही होता, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ट्रिक है और 100% वर्किंग है, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपका अपने चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद।